मुख्यमंत्री योगी ने 5 साल में सरकार में यूपी को नई पहचान दी है, ये बात कही और यूपी में आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रयास से सब कुछ संभव है, पहले यूपी की गलत पहचान बनाई गई थी। 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस देश से बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। पलायन को लेकर बोले सीएम योगी, पिछली सरकार में व्यापारी पलायन को थे मजबूर, पिछली सरकार दंगा फसाद कराने में लगी रहती थी, हमारी सरकार ने व्यापारियों को पलायन से रोका। आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो लोग, जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ, बेटियां स्कूल जा रही हैं। अलीगढ़ से अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किया हमला, कहा अलीगढ़ के लोग ही भाजपा पर लगाएंगे ताले। मुझे याद है जिस समय ओमकार राजभर जी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से RLD और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो। अलीगढ़ में कांग्रेस पे दिखा रही दम, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से की वोट की अपील। चित्रकूट के मानिकपुर से भाजपा के विधायक आनंद शुक्ला का टिकट कटा, गठबंधन के खाते में गई ये सीट, अविनाश चंद द्विवेदी को अपना दल एस ने उम्मीदवार बनाया। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, तीसरे फेज के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राहुल, प्रियंका गांधी सहित 30 प्रचारकों का नाम।